एक कोच के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो क्रिकेट के खेल से प्यार करता है, मैं इस फॉर्मेट को फलते फूलते और अच्छे प्रदर्शन करते हुए देखना चाहता हूं। भारत में इस साल के विश्व कप के अलग अलग स्थानों पर द्रविड़ के कौशल की पूरी श्रृंखला को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने 15 साल के करियर में 344 एक दिवसीय मैच खेलने वाले द्रविड़ को उम्मीद है कि इस फॉर्मेट को खेला जाना जारी रहेगा और इसे महत्व दिया जाएगा। मैदान का आकार अलग अलग होगा। अब हम बेंगलुरु जाएंगे या जब हम दिल्ली जाएंगे तो हमें शायद यह चेन्नई में अपेक्षाकृत बड़े मैदान पर खेलेंगे। प्रत्येक स्थान अलग होगा, हमें बस आकलन करना होगा और देखना होगा यह किस तरह का है। मुझे नहीं लगता कि विश्व कप इस बात से तय होगा कि इस पिच को सही ढंग से पड़ा है या नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप उन पिचों पर कैसे खेलते हैं। आंकड़े इसी प्रवृत्ति को उजागर करता है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से पूर्ण सदस्यों ने गुरुवार को इंग्लैंड न्यूजीलैंड ओपनर से पहले कुछ 250 एक दिवसीय मैच खेले। पिछले विश्व कप चक्र 2015-2019 में संबंधित संख्या 429 थी। वास्तव में हाल के 4 वर्षों में कुल 367 T20I के साथ पहली बार वनडे की तुलना में अधिक T20I खेले गए। जाहिर है कि अधिक से अधिक T20 क्रिकेट को कैलेंडर में जोड़ा जा रहा है। इससे संभावित 2015 और 2019 कैलेंडर के बीच उतनी संख्या में एक दिवसीय खेला जाना मुश्किल हो जाएगा जितना आप देखने के आदि होंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम कभी उन दिनों में वापस आएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अभी भी इस फॉर्मेट को महत्व देना और खेलना जारी रखेंगे। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।